कि हमने कह दिया कि भाई हर थाने में पुरुष भी रहेंगे या महिला भी रहेंगे, आप महिलाओं के अलग उसको बैठने के लिए और रखने के लिए भी सब इंतजाम पूरा होना चाहिए, तो सब तो कर रहे हैं। और अब जो भी बिल्डिंग बन रहा उसमें एक एक चीज का, लेकिन जो बिल्डिंग बन गया उसमें भी तेजी से ये काम कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस कर्मियों को लेकर आज बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां अब बिहार के थानों में पुरुष पुलिस कर्मी के साथ साथ महिला पुलिस कर्मी की उपस्थिति भी अनिवार्य की गई है। बताते चले कि लगातार महागठबंधन की सरकार बिहार में रोजगार और नौकरी पर बात कह रही है, और अब आज पुलिस कर्मियों की बहाली पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बड़ा आदेश जारी किया है, जहां कह दिया है साफ साफ कि डीजीपी आरएस भट्टी को अब सभी महिला पुलिस कर्मियों की बहाली करनी है। और इतना ही नहीं, जितने भी पुलिस भवनों का निर्माण बिहार में हो रहा है, जितने भी थानों का निर्माण हो रहा है, उसे जल्द से जल्द पूरा कराया जाए और खासकर उसका मेंटेनेंस भी पूरी तरीके से रखा जाए। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला पुलिस कर्मी की बहाली को लेकर, पुलिस भवनों के निर्माण को लेकर, और क्या कुछ दिशा निर्देश उन्होंने डीजीपी आरएस भट्टी को दिया है, छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। और हम लोगों के यहाँ पुलिस में कितनी बहाली है, अब हो गया करीब करीब 29% से करीब, तो और बढ़ते ही जा रहा है, तो हो जाएगा। तभी तो कहे ही थे बहुत, अभी इनका मीटिंग था पुलिस वाले का आप लोगों का, उसमें भी कहा था, तो आप लोगों ने कर दिया है। और अब सब लोगों के बारे में कैबिनेट से भी हम लोगों ने मंजूरी दे दिया, और सबका बहुत तेजी से बहाली करना है, तो सारे पुलिस बलों की पूरी बहाली हो जाए, और जितने हमारे जितने भवन हैं वो सबका निर्माण हो जाए, और सबसे बड़ी बात है उसका मेंटेनेंस। और यही जो है पुलिस भवन निर्माण निगम, इसी का काम है। तो आप ही को जो पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड है, इसी को आपको आपके अंदर पूरे तौर पर लोगों को बहाल करिए, और जितने आदमी की जरूरत है उतना और बहाल करिए, और सब जगह पूरे तौर पर मेंटेन करिए। खाली बिल्डिंग बनाना नहीं है, अगर आप पूरे बिहार का मेंटेन करिएगा तो बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन होगा। आप कितना कितना बढ़िया बना है जाकर के देखिए ना भाई, पटना में ही लोकलोगा देखिए ना, पहले कैसा था पुलिस का, अभी गांधी मैदान के ठीक सामने कैसा बन रहा है, लेकिन अब वो तरीके बन गया है, लेकिन उसका मेंटेनेंस रहना चाहिए। और हम लोगों ने महिलाओं के लिए, आप लोग तो सब अभी बता रहे थे, जब हमने कह दिया कि भाई हर थाने में पुरुष भी रहेंगे या महिला भी रहेंगे, आप महिलाओं के अलग उसको बैठने के लिए और रखने के लिए भी सब इंतजाम पूरा होना चाहिए, तो सब तो कर रहे हैं। और अब जो भी बिल्डिंग बन रहा उसमें एक एक चीज का, लेकिन जो बिल्डिंग बन गया उसमें भी तेजी से ये काम कर। तो मेरी तो इच्छा है, तो आज तो आए, आज तो आप यही मीटिंग कर रहे, तो हम तो मीटिंगवा के कर रहे थे, आपको कहाँ कर रहे, पटेल भवन में हम बनवाए थे, अब वहीं पर हमने बना दिया है आपके, तो वहां पर आप लोग करिए भी रहे। अब पटेल भवन में जो हमने बना दिया और उसका जगह बना दिया, तो हम तो सोच रहे थे कि आप ये करिएगा, हम वहीं पर ही मीटिंगवा करिएगा, यहाँ पर दिखा दीजिएगा और वहीं पर सब कुछ कीजिएगा।